पुलिस के सामने किसने किया सबूतों से छेड़छाड़, कोलकाता केस का नया वीडियो चौंका देगा। कौन है वो प्रिंसिपल जिसने कॉलेज का इतना बड़ा कांड छिपाया, कहां गई दीदी की ममता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डॉक्टर ने खोली ऐसी पोल, खुलासा सुन कहेंगे कानून बदलना होगा। महिला मुख्यमंत्री के राज में ये क्या हो रहा है, एक लड़की के परिवार वालों को इंसाफ ना मिले उसके लिए सबूतों को कौन मिटा रहा है। कोलकाता पुलिस की आंखों के सामने इतना बड़ा खेल चल रहा है फिर भी कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। सामने बेंच पर बैठे पुलिस कर्मियों को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि सबूत दफन हो गए तो आरोपी छूट जाएगा। क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, साजिश की बात क्यों की जा रही है, इसे समझने के लिए आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने वाले डॉक्टर का बयान सुनिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। फिर सवाल यह है कि पुलिस ने इस केस में अब तक सिर्फ एक ही आरोपी को क्यों गिरफ्तार किया। अब इस केस की जाँच CBI ने अपने हाथ में ले ली है, जो पाताल से भी सबूत ढूंढ लाएगी। तो क्या सबूत CBI भी नहीं ढूंढ पाए इसलिए वहां पर रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। नियम यह कहता है कि जहां घटना हुई उस इलाके को सील कर दिया जाता है, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सेमिनार हॉल से सिर्फ 20 मिनट की दूरी की है, जहां 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरोपियों ने सारी हदें पार की। और उसके बाद अस्पताल मैनेजमेंट का असली चेहरा तब सामने आया जब लड़की के माँ बाप ने कैमरे के सामने रोते हुए उस दिन की बात बताई। लड़की की माँ बताती है, जिस अस्पताल में वो ट्रेनिंग करती थी वहाँ से 8-9 अगस्त की रात में कॉल आई कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। हमने कहा कैसे, कब और भागते हुए अस्पताल पहुँचे तो वहाँ 3-4 घंटे तक हमें बेटी से मिलने नहीं दिया गया। वहीं अस्पताल के बाहर खड़ा रखा गया। जब उसकी फ़ोटो देखा तो शक हो गया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ किसी ने गलत काम किया। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के राज में लगता है कि इन्हें इंसाफ मिलना मुश्किल है, इसीलिए केंद्र सरकार ने इस केस में CBI की एंट्री करवाई। पर अब वहाँ की पुलिस जिस हिसाब से अपने आंखों के सामने सबूत मिटवा रही है वो साफ बता रहा है कि कॉलेज के कुछ लोग भी इस केस में शामिल हो सकते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, जो घटना के अगले ही दिन ये कहते हुए इस्तीफा दे देते हैं कि वो हमारी बेटी जैसी थी, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ममता सरकार अगले ही दिन दूसरे कॉलेज में पोस्टिंग दे देती है, जिससे न सिर्फ उस कॉलेज के स्टूडेंट भड़क जाते हैं बल्कि बंगाल हाईकोर्ट भी ममता सरकार से ये पूछता है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा किसने पूछ कर दिया और नई नियुक्ति कैसे मिल गई। जहां घटना होती है वहां के सभी लोग जांच के दायरे में होते हैं। फिर सवाल है, प्रिंसिपल को इतने तरीके से किसने वहां से जांच के पहले ही हटा दिया। क्या ममता बनर्जी की पुलिस सही आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी है, ये सवाल BJP के कई बड़े नेता और देश भर के डॉक्टर बार बार पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि BJP नेताओं ने तो ममता का नाम भी निर्ममता बनर्जी रख दिया। पर नाम वाली राजनीति से ज्यादा इंसाफ मिलना जरूरी है। आज पश्चिम बंगाल की पूरी पब्लिक खुलकर योगी के बुलडोजर की मांग कर रही है ताकि इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।